वेल डन आप लोगों को, मैंने असाइनमेंट जो दिया था बड़ा अच्छा आपने किया, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। अब्दुल रहमान ने बताया है, ये एक ये लिंक किसी का रन नहीं हो रहा है, ये दोबारा भेज दीजिएगा सही होगी। अच्छा मोहम्मद उसामा नदीम नहीं, और उसके अलावा हमारे पास बिलाल खान ने ये बनाया, सैयद आदिल अहमद वेल्डन यार, इब्रारुल हसन और मोहम्मद मुबशर। कुछ मैं और भी लिंक्स आ गए हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 जॉर्ज थॉमसन। अच्छा तुमने दो बनाई है, क्या नाम है तुम्हारा? मुदब्बिर। सही है यार, बहुत अच्छा। कुछ और भी नीचे लिंक्स हैं जो मैंने अभी तक ओपन नहीं किए, 2 3 फहद रफी, ये कौन है यार, इसने तो पूरा फेसबुक बना लिया। अनस, अच्छा सही है, अच्छा बना लिया इसने, ये है हमारा अनस। अगर पहचान में आ रहा है इतनी छोटी फोटो। अच्छा हाँ, लाइक का बटन अभी काम नहीं करेगा इसमें, क्योंकि मुझे पता है ना जितना मैंने पढ़ा दिया। असल में एक एग्जिस्टिंग जो क्लास थी हमारी वो रिएक्ट पढ़ चुकी है काफ़ी आगे तक, तो ये हम दूसरी क्लास जो मर्ज हुई है हमारी, इसकी वजह से मैं वो चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो स्टूडेंट है ये मेरी एग्जिस्टिंग क्लास के स्टूडेंट हैं, तो इन लोगों से मैं ये असाइनमेंट बनवा चुका हूँ, आपको भी दिया जाएगा यही असाइनमेंट ऐसा वाला, इंशाल्लाह आप लोग भी बनाएंगे ये, तो देखने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा सही बना लिए, क्या बात है यार। तो रिएक्ट अब इतनी आ गई है कि डर तो नहीं लग रहा रिएक्ट से, है ना? अच्छा है, सही है, ओके। अच्छा तो मैं ये सब बंद कर देता हूँ, बल्कि एक काम करते हैं ना, इसमें से कोई अच्छी सी सीवी देख के, बल्कि अच्छी सी क्या, बस रैंडमली कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। वो जो सबसे सही थी अभी, हाँ ये वाली सबसे सही बनाई है मेरे ख्याल इन्होंने। अच्छा ये भाई इसका कोड सैंडबॉक्स भेजो, कौन है ये आप, क्या नाम है आपका? अशारे। अच्छा इसका कोड सैंडबॉक्स भेजो, इसी पे हम आगे काम करते हैं, कहें। अच्छा ये है बटन, सही है यार। अच्छा बाकी सारे में आज हमने क्या करना है, आज की क्लास में हमें ये करना है आज की क्लास में कि यही सीवी और यही हेलो वर्ल्ड जो हमने क्लाउड सैंडबॉक्स में बनाया था, आज हमने अपने कंप्यूटर में बनाना है, सही है? अच्छा अपने कंप्यूटर में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास रिएक्ट की वेबसाइट पे चलते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर। वो तो हमने हेलो वर्ल्ड वगैरह कर लिया थोड़ा, मतलब बच्चों वाला कर लिया, अभी हम आ जाते हैं रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, रिएक्ट एंटर, और ये react.org मेरे पास ये वेबसाइट खुल गई। गेट स्टार्टेड का बटन जैसे मैं दबाता हूँ इसमें, तो ये गेटिंग स्टार्टेड का एक सेक्शन आ गया, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं ना, लाइब्रेरीज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबका ना गेटिंग स्टार्टेड का पेज ज़रूर होता है, तो उसकी किसी भी आप ऐसी वेबसाइट पर आएंगे ना तो गेटिंग स्टार्टेड वो जगह है जहाँ से आपने इसको शुरू करना है। तो रिएक्ट में गेटिंग स्टार्टेड पर मैं आ गया, अब ये मुझे बता रहा है कि क्या कर सकते हैं आप, रिएक्ट को ट्राई कैसे करें, पहली दफ़ा रन कैसे करें। नंबर एक है ऑनलाइन प्ले ग्राउंड्स। ऑनलाइन प्ले ग्राउंड कौन कौन से हैं? कोड पेन, कोड सैंडबॉक्स और पता नहीं कौन कोई है। हमने ये कोड सैंडबॉक्स में ना ट्राई कर लिया, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद बता रहा है कि क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप।
अपने पास आप न्यू रिएक्ट की ऐप कैसे बनाए यार? ये तो हो जाएगा नहीं, वो टूल चेन करके ऐसे आ रहा होता है। इसी के अंदर है क्या वो? अच्छा ये लर्न हाउ, यार ये क्या डॉक्यूमेंट लिखा है उन्होंने भी, मतलब कान के नीचे रख के लगा है। अबे सामने लिख भाई, सीधा सीधा छोटा सा लिखा है यार, मतलब यार इतनी बड़ी कंपनी है छोटा सा लिखा है। हाँ बस फटाफट जाओ यार, जल्दी से तुम में से कोई जाओ इनको जाके समझाओ कैसे लिखते हैं, बताओ थोड़ा। अच्छा तो इधर भी ना सीधा सीधा नहीं लिखा। तो खैर हमारे पास भाई टूल चेन होता है, एक सी एल आई टूल होता है। सी एल आई टूल पता है किस चीज़ को कहते हैं? व्हाट इज़ द सी एल आई टूल? जो कमांड लाइन में चलता है। एक होता है जी यू आई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें ग्राफिक्स होती हैं, बटन शटन होते हैं, लाल पीले कलर होते हैं। और एक होता है सी एल आई, कमांड लाइन इंटरफेस, जो ऐसी एप्लीकेशन जो सिर्फ टर्मिनल पे चलेगी, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलेगी, उसके अलावा नहीं चलेगी। तो एक ऐप है दैट इज कॉल्ड क्रिएट रिएक्ट ऐप, एक छोटा सा टूल है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो हमें इंस्टॉल करना होगा, उसके ज़रिए हमें बनाना है ये रिएक्ट की जो ऐप है। अच्छा तो ये ना इन्होंने यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है कैसे बनेगी, एन पी एक्स। अच्छा एन पी एम नहीं है ये, एन पी एक्स है, सही है। अच्छा एन पी एम तो आप लोगों को पता नहीं है शायद, एन पी एम पता है? नॉट जे एस जो है उसका पैकेज मैनेजर होता है। व्हाट इज नॉट जे एस? नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ, नॉट जे एस आप थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया आपने तो क्या समझते हैं? एक दोस्त कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, क्या एग्री करेंगे बाकी लोग इनसे या बाकियों का कोई और ओपिनियन है? ब्रेन स्ट्रोमिंग है, जस्ट सही गलत की बात नहीं है। हाँ ऐसे सोच के बताओ, व्हाट इज नॉट जे एस? हाँ भाई शादाब तुम भी बताओ। Node.js जो है ना एक प्लेटफॉर्म है। Node.js के आने से पहले जावास्क्रिप्ट चलती थी सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर के अंदर HTML के साथ, लेकिन Node.js के आने के बाद अब जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर कहीं भी चलाया जा सकता है Node.js की मदद से। तो Node.js एक ऐसा इंजन है जिसके ऊपर जावास्क्रिप्ट चल सकती है, ठीक है। समझ जो ब्राउजर ही है लेकिन उसमें स्क्रीन नहीं है, अंदर का इंजन है बस, स्क्रीन नहीं है। ऐसे समझ लो कि बंदा गाड़ी में बैठ के चलता है ना, अब सिर्फ टायर एंड टायर पे डायरेक्ट बैठ के चल रहा है, सही है। तो इंजन है ये जावास्क्रिप्ट का ना, इस पर जावास्क्रिप्ट चल जाती है। ब्राउज़र में भी यही इंजन लगा हुआ होता है लेकिन वो थोड़ा मतलब डिफरेंट है इससे। वो असल में जब गूगल क्रोम ने ना जब जावास्क्रिप्ट एक्मास्क्रिप्ट 5 आई तो गूगल ने बोला कि यार इसका इंजन ना बड़ा स्लो है हमारे पास जो लगा हुआ है, तो हम इस इंजन को अपग्रेड करते हैं। तो उन्होंने बोला हम V8 के नाम से एक इंजन लिख रहे हैं, V8 के नाम से एक इंजन उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच लिखा, क्योंकि जब आई थी नई नई जावास्क्रिप्ट तो उस वक्त का बना हुआ था, उसी को ही चेंज कर करके चला रहे थे वो। उन्होंने बोला भाई अब इससे काम नहीं चलेगा, फ्रॉम स्क्रैच लिखना पड़ेगा नया, बिल्कुल पुराने को ख़त्म करके नया लिखना पड़ेगा। तो V8 के नाम से बनाया, वो ओपन सोर्स रखा ना। तो बाद में वो यूनिवर्सिटी के लड़के थे 2-4 कोई, उन्होंने वही ओपन सोर्स प्रोजेक्ट उठा के ना Node.js बना दिया उसी V8 इंजन से। तो ये गूगल ने लिखा था असल में V8 इंजन, तो वो बना दिया उन्होंने कि भाई आप टर्मिनल पे भी इसको आप चला सकते हैं, फिर उसी के हिसाब से अब आगे वो मज़ीद चलना शुरू हो गया। तो अब जावास्क्रिप्ट को चलाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 ब्राउज़र पे चलता है, जो वो वाली जावास्क्रिप्ट क्या कहलाती है? AMD। और एक चलती है जावास्क्रिप्ट टर्मिनल के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड Common.js। तो ये 2 जावास्क्रिप्ट हैं असल में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ AMD पे ही चल सकती हैं, Common.js पे नहीं चलती, और कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ Common.js पे चलती हैं वो AMD पे नहीं चल सकती, ठीक है। वैसे तो कहने को तो जो टर्मिनल पे चलने वाली जावास्क्रिप्ट है वो एड ऑन है, उसी ब्राउज़र वाले पे एड ऑन है, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने ख़त्म भी की हैं।
जैसे अलर्ट है ना, वो सिर्फ ब्राउजर पे ही आ सकता है, टर्मिनल पे अलर्ट कहाँ दिखाएंगे हम, टर्मिनल पे अगर चल रही है तो। वेल अभी तो वो चीज़ें हम करेंगे सारी। अच्छा तो नॉट जी एस समझ आ गया। एन पी एम क्या चीज़ है, वॉट इज एन पी एम? नॉट पैकेज मैनेजर। अब ये पैकेज मैनेजर क्या होता है? नॉट की एक्सटेंशन इंस्टॉल करने में हेल्प आउट करता है। नॉट के एक्सटेंशन तो नहीं होते, और बताएं एनपीएम व्हाट इज एनपीएम? क्या समझते हैं आप एनपीएम क्या है? नॉट के अंदर जो कंपोनेंट रन होते हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए। करीब करीब बता रहे हैं लेकिन वो एक वर्ड सुनना चाह रहा हूँ, वो नहीं किसी ने बोला अभी तक। पैकेज को डाउनलोड करता है। अच्छा चलो समझाता हूँ, मैं मिसाल लेके समझाता हूँ। देखो नॉर्ड जे एस पे बनने वाली जितनी भी एप्स हैं, यानी नॉर्ड जे एस पे जो भी बनाओगे ना, चाहे वो सर्वर हो चाहे कुछ भी हो, दैट इज कॉल्ड पैकेज। नॉट जे एस पे बनने वाली जितनी भी ऐप है ना, लेट्स कॉल्ड पैकेज। और एन पी एम जो है ना, वो पैकेज का मैनेजर है। जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, आप फ़ोन उठाते हैं, आपको कुछ भी चाहिए डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लेते हैं, इसी तरह नॉट जे एस के साथ ये एन पी एम होता है। एन पी एम जो है वो नॉट जे एस का आप समझ जाए प्ले स्टोर है। आपको जो लाइब्रेरीज जो जितनी भी लिखी हुई है ना, वो सब एन पी एम के ऊपर अपलोड की हुई है, किसी ने बना के अपलोड कर दी है। प्ले स्टोर पे भी जो आप ऐप यूज़ करते हैं जितनी भी, वो किसी ने बना के अपलोड किए ना, इसी तरह एन पी एम जो है वो प्ले स्टोर है, आप ऐसे समझें इसको। लोगों ने वहाँ पे ना पैकेजेस, इसको ऐप नहीं बोलेंगे अभी, इसको क्या बोलेंगे हम? पैकेज। नॉट जे एस पे बनने वाली जितनी भी ऐप्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, दैट इज कॉल्ड पैकेज। तो नॉट जे एस पे ही बना के एन पी एम पे अपलोड कर दिया, हमारे लिए वो एज अ लाइब्रेरी की हैसियत रखती है, तो हम उसको डाउनलोड करके हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम चाहें तो खुद के अपना पैकेज बना के भी हम पब्लिश कर सकते हैं, सही है। तो हमने क्या देखा कि नॉट जे एस एक इंजन है और एन पी एम एक पैकेज मैनेजर है, एक प्ले स्टोर है। आप भी अपनी ऐप उस पर पब्लिश कर सकते हैं, बाकी लोगों ने भी पैकेजेस उस पर पब्लिश किए हुए हैं। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है वो क्या है? नॉट जे एस पे ही बना हुआ एक सॉफ्टवेयर है, एक पैकेज है, जिसको हम क्या करने लगे हैं, इस्तेमाल करने लगे हैं। एन पी एम से उठा के लाएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, एन पी एक्स का क्या मतलब है? एन पी एम तो समझ में आ गया था, सोचो जरा, ऐसे दिमाग लड़ाओ, एन पी एक्स का क्या मतलब है? इंस्टॉल किए बगैर उसको चला दे, अच्छा एक्स का मतलब जो है ना, लिनक्स के अंदर एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट किस चीज़ को कहते हैं? अंग्रेजी में एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है? एक एक करके बोलो, शरीफ आदमी है, बोल रहा कंपाइल होना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है सजा मौत, अंग्रेजी में पूछ रहा हूँ मैं। अंग्रेजी में एग्जीक्यूट का मतलब होता है गला काट देना किसी का, सही है। हाँ, कोई भी प्रोग्राम जब रन होता है ना, तो उसको भी हम कहते हैं कि एग्जीक्यूट हो रहा है। ये प्रोग्राम क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। तो क्या इसका मतलब क्या ये है कि हम उस प्रोग्राम को सजा मौत दे रहे हैं? एग्जीक्यूट क्यों बोलते हैं उसको, कभी सोचा गया? वैसे क्यूरियोसिटी हुई कि प्रोग्राम मर रहा है। जैसे हमने एक प्रोग्राम को रन किया, तो लिनक्स में तो उसको स्पेशली लिनक्स में बोलते हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। तो प्रोग्राम को चलाने को एग्जीक्यूट क्यों बोलते हैं यार, ये क्या बकवास है? ये कह रहे हैं कि पहले वो असल में कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, शायद इस वजह से एग्जीक्यूशन कहते हैं। अच्छा मेरा भी ओपिनियन है, मुझे भी फॉर श्योर पता नहीं है, ऐसी एक बात निकल गई तो मैंने कहा यार ये भी होना चाहिए। थोड़ा सोचो जरा, क्या रीज़न है यार एग्जीक्यूट क्यों कहते हैं? एग्जीक्यूट तो बोलते हैं गला काटने को। तो
ए आई कोड खुद ख़त्म हो जाता है, अपना आउटपुट दिखा देता है। कोड ख़त्म तो खैर नहीं होगा, ख़त्म क्यों होगा कोड? अच्छा अच्छा, मुझे मुझे क्या लगता है, मेरा भी ओपिनियन है, मुझे भी फॉर श्योर पता नहीं है कुछ। जैसे भिंडी काट, भिंडी को जब पकाया जाता है, भिंडी खाया है ना सब लोगों ने, लेडी फिंगर, उसको जब यानी बनाने का या पकाने का जो प्रोसेस है उसको, तो क्या करते हैं उसको सबसे पहले? उसको काटते हैं, ठीक है। तो असल में एग्जीक्यूशन काटने को अगर कहते हैं, तो कोई भी चीज़ को बनाने के लिए उसको काटना पीटना ज़रूरी है। तो मे बी इस वजह से इंस्पायरेशन कहीं ना कहीं आई कि वो भिंडी बन रही है तो भिंडी एग्जीक्यूट हो रही है, यानी फाइनल डेस्टिनेशन एग्जीक्यूशन ही है, सही है। तो मे बी इस वजह से वो कहते हैं कि भाई अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गया। वेल, तो ये तो एक ऐसे बात निकल आई, तो मैंने ये स्क्रीन पता नहीं क्यों बार बार गायब हो जाती है यार, दोबारा शेयर कर देता हूँ। अच्छा, तो NPX का मतलब क्या होता है कि ना सिर्फ डाउनलोड करो बल्कि साथ साथ एग्जीक्यूट भी करो, ठीक है। कहीं सेव डाउनलोड करेगा, एग्जीक्यूट करके उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है, उसको सेव नहीं करेगा कहीं। NPX का मतलब ये होता है उसको सेव नहीं करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, अब आपके पास ये कमांड जब लिखेंगे ना आप अपने टर्मिनल में, मैं जाता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे अपने क्या कर लेता हूँ, टर्मिनल खोला मैंने, सही है, ये मेरे पास टर्मिनल है, मैंने कहा सी डी डेस्कटॉप पे चला गया, मैं अपने डेस्कटॉप पे इस वक्त मौजूद हूँ, और मैंने क्या लिखा, ये कमांड पेस्ट करके मैंने अभी एंटर नहीं प्रेस किया, एंटर प्रेस करूँगा तो वो लोडिंग शुरू हो जाएगी, ये एंटर प्रेस किया मैंने तो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर क्या होगा, माई ऐप के नाम से ना एक ऐप का फोल्डर बना हुआ आ जाएगा। कहाँ पर आया है ये ना, ये देखो ये बना हुआ आ गया माई ऐप, सही है। और इसके अंदर एक रिएक्ट का एक एम्प्टी प्रोजेक्ट, जो रिएक्ट का बॉयलर प्लेट इसके अंदर बना हुआ आ जाएगा, लेकिन जब आप इसको लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली ये एरर आएगा, क्योंकि आपकी मशीन में नॉट जी एस इंस्टॉल होना ज़रूरी है, ठीक है। जब हम नॉट जी एस इंस्टॉल करते हैं, क्या तरीका है इंस्टॉल करने का, मैंने कहा नॉट जी एस एंटर, ये इसकी वेबसाइट आ गई, इस वेबसाइट में गया, ठीक है। LTS वर्जन जो है ये हमने इंस्टॉल करना है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये वाला वर्जन करना है। जैसे ही ये मैं इंस्टॉल करूँगा तो मेरी मशीन में NPM और नॉट जी एस दोनों ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा इस एक को इंस्टॉल करने की वजह से। उसके बाद फिर आप ये कमांड चलाएंगे तो बिल्कुल सही आपकी ये कमांड चल जाएगी। नंबर एक बात ये हो गई। नंबर दो बात ये कि ये मैंने कहा कि एस ये कमांड लिखने से एक नया फोल्डर बन जाएगा और एक बॉयलर प्लेट रिएक्ट की ऐप बन के आ जाएगी, या एम्प्टी रिएक्ट। तो बॉयलर प्लेट मैंने वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर, क्या सब लोगों को इस वर्ड का मतलब पता है? अच्छा, जिसको पता है वो ज़रा बताए। बॉयलर प्लेट का मतलब पका पकाया कोल्ड, थोड़ी सी चेंजेस की तो वो फिर बन जाती है, बन जाती है। सही है, यानी मोर और लेस तीनों लोगों ने एक ही बात की है कि पहले से लिखा हुआ कोड है। हाँ, बेसिक्स उसमें पहले से लिखी हुई होती है, तो मतलब हमें उसकी क्यों ज़रूरत होती है, क्या चक्कर है ये बॉयलर प्लेट में? टाइम बचाती है बॉयलर प्लेट। और कोई बताना चाहेगा आप में से? जो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए शुरू में, बिल्कुल सही बताया। और बताओ, एक दोस्त ने कहा कि रीयूजेबिलिटी बढ़ाती है। रीयूजेबिलिटी तो फिर हम जो एक बार कोड लिखेंगे तो हम उसको फिर रीयूज करेंगे ना, तो ये मेरे ख्याल नहीं है। आपने क्या कहा कि बड़े वेबसाइट को बनाने के लिए उसके छोटे पार्ट्स या हिस्से नहीं, वो तो कंपोनेंट्स की डेफिनेशन बता रहे हैं ना। बॉयलर प्लेट ये बॉयलर प्लेट ये नहीं है। करो गूगल करो जल्दी से, व्हाट इज बॉयलर प्लेट। जितनी देर में ये बन रहा है ना ऐप,
मैं भी लिखता हूँ गूगल पे बॉयलर प्लेट। ये तो कुकर का ढक्कन बता रहा है। अच्छा बिल्कुल सही है, पहुंच गए आप लोग कि ऐसा कोड कोई भी बड़ी एप्लीकेशन जब आप जाहिर है शुरू करेंगे तो कुछ ऐसा कोड होता है जो शुरू में आपको हर दफा लिखना पड़ता है। जैसे एक बर्गर बनाने वाला जो है, एक बर्गर बनाने वाला जो है उसके लिए बॉयलर प्लेट क्या है जो हर रोज उसको करना ही पड़ता है आगे। उसके लिए बॉयलर प्लेट है, असल बॉयलर प्लेट तो उसके लिए सबसे पहले वो आता है ना, दुकान खोलता है, उसके पास मोटा सा तावा होता है बड़ा सा। अच्छा उस तावे को के नीचे ना जल्द हल्की कपड़ा मार के हल्की आंच में आग जला के छोड़ देता है और वो क्योंकि वो तावा मोटा होता है ना वो जल्दी से गर्म नहीं होगा, आप जो मर्जी कर लो आंच रेस करेंगे तो वो जलना शुरू हो जाता है, लोहा बर्न हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है। तो उसको हल्की आँच में ना छोड़ देना है आपको, अब वो आधे घंटे में जाके गर्म होगा। अब जब तक वो गर्म नहीं हो जाता ना आधे घंटे में, वो बर्गर उस पर नहीं बना सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो ठंडा ठंडे तावे पे कौन सा हो। तो वो जब प्रॉपर गर्म हो जाएगा आधे घंटे के बाद अच्छी तरह, फिर उस पर बर्गर बनेगा। तो वो सबसे पहले आते ही क्या करता है, चूल्हा जलाता है, प्लेट जला के छोड़ देता है। उसके बाद वो झाड़ू वगैरह जो भी सफाई वफाई कुर्सियाँ आगे पीछे कर भर के, जब उसका जो प्लेट है ना, प्लेट असल में तवे को कहते हैं, अच्छी तरह जब बॉयल हो जाता है, अच्छी तरह जब हीट अप हो जाता है, फिर वो उसमें बर्गर बनाना शुरू होता है। बर्गर वाले के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो इस चीज़ को स्किप कर सके, है कोई ऑप्शन? कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ एक ऑप्शन हो सकता है इसको स्किप करने का कि शटर उठाते ही बर्गर बनना शुरू हो जाए, क्या है बताओ? नहीं, स्मार्ट चूल्हा हो उसका, घर से निकलते ही ना वो बोले हे गूगल टर्न ऑन माय स्टोव, तो घर से निकलते ही जो है ना वो बोले और चूल्हा उसका दुकान में ही जल जाए। और जितनी देर में वो घर से निकल के दुकान तक आए आधे घंटे में, जब तक उसका तावा पहले ही गर्म हो, तो वो शटर उठाते ही वो फौरन उसमें बनाना शुरू कर सकता है। लेकिन इससे जो है और भी चांस है कि हो सकता है उसकी दुकान ही जल जाए पूरी किसी से मे बी, ठीक है। वेल आइडिया एक हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये एसी में तो लोग कर रहे हैं, लोग ऑफिस से निकलते हैं ना और निकलते ही बोलते हैं कि टर्न ऑन माई एसी, और घर पहुंचते तक वो एसी ठंडा कर चुका होता है रूम को। ये हो रहा है, ओरिएंट का जो एसी है उसमें गूगल असिस्टेंट की कनेक्टिविटी मौजूद है, अलेक्सा से, गूगल असिस्टेंट से, एप्पल के स्मार्ट होम से वो कनेक्ट हो जाता है। नहीं गाड़ी में नहीं, घर के एसी की बात कर रहा हूँ, गाड़ी का एसी तो वो तो हाँ गाड़ी का एसी भी वैसे कर सकते हैं ये काम, लेकिन अभी घर वाले एसी में हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं ऑफिस जा रहा हूँ ना, मैं 9 बजे निकला घर से, अब ऑफिस जा रहा हूँ, 9 बजे बड़ी सख्त धूप हो चुकी होती है, अगर 9 बजे कोई निकलता है अपने से तो पता होगा बड़ी सख्त धूप हो चुकी होती है, तो जो ग्लास वाले ऑफिस होते हैं ना बड़े गर्म हो चुके होते हैं अंदर से। तो मैं जब ऑफिस पहुँचूंगा मैं जाके एसी ऑन करूँगा तो वो ऑन होगा, 15 मिनट तो बैठ नहीं सकते आप उस पर, अब इतना वो गर्म हो चुका होता है। जो ग्लास वाले ऑफिस होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो कॉन्क्रीट वाले तो इतनी जल्दी गर्म नहीं होते, वो तो सही रहते हैं। तो अगर ये किया जाए तरीका कि ओरिएंट का कोई ऐसा एसी हो स्मार्ट एसी, और मैं घर से निकलते ही गाड़ी से बोलूँगा टर्न ऑन माई ऑफिस एसी, और वो उसको ऑन कर दें, तो जब मैं ऑफिस पहुँचूंगा ठंडा मिलेगा। वेल तो ऐसा कुछ किया जा सकता है चूल्हे के साथ भी। वेल तो हमने ये देखा कि बर्गर वाले के लिए ना ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसको क्या करे, स्किप कर दे बॉयलर प्लेट को, फिलहाल नज़र तो नहीं आ रहा कुछ। इसी तरह जब आप कोई HTML की ऐप बना रहे हैं, HTML CSS JavaScript की आप कोई ऐप बना रहे हैं, तो उसमें बॉयलर प्लेट कुछ ना कुछ होता है ना, हेड बॉडी ये सब तो लिखोगे ना, इसके बगैर क्या होगा, इसके बगैर कैसे करोगे? फिर थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, JavaScript जब शुरू करोगे आप, ज़ाहिर है कोई ना कोई फॉर्म बना हुआ होगा, ज़ाहिर है हर ऐप में फॉर्म तो होगा, फॉर्म के बगैर कौन सी ऐप बनती है? तो ये वो सारा कोड है जो आपको हर दफ़ा ही लिखना पड़ता है,
तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये तमाम का तमाम कोड लिख के एक बार कहीं स्टोर कर दिया जाए, जब भी कोई नई ऐप बनानी हो तो ये बॉयलर प्लेट कोड उठाकर आप लाए, बेसिक्स सारी लिखी हुई है, किसी ने यहाँ पर से कहा था ऐसी चीज़ जो शुरू में चाहिए ही चाहिए, बॉयलर प्लेट कोड उठा के आपने लाया और उसी में आप आगे बिल्डिंग बनाना शुरू करें, सही है, समझ आ गया बॉयलर प्लेट कोड। अच्छा तो हम वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि भाई ये कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा तो ये हमारा ना चल के पूरा ख़त्म हो गया और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ गया हैप्पी हैकिंग, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ऐप बन के तैयार हो चुकी है। अच्छा अब इस ऐप को मैं क्या करता हूँ, VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। मैं वापस ये मैंने बंद क्यों कर दिया था पता नहीं, मैं डेस्कटॉप पे गया, ls किया, यहाँ पे देखो मेरी मौजूद है माई ऐप करके ना, ये माई ऐप मौजूद है, मैं कहा cd माई ऐप, ठीक है cd करके माई ऐप के अंदर चला गया ना, उसके बाद लिखा कोड स्पेस डॉट एंटर, सही है जी। अब देखो इसमें बिल्कुल वही वाली फाइलें यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं, पब्लिक src के अंदर app.js। तो अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं उसी डेव सीडिया वाले आर्टिकल में, राइट। इसने जो बोला था ना हेलो वर्ल्ड में, क्या बताया था इसने, इसने बोला था कि भाई स्टार्ट न्यू कोड सैंडबॉक्स हेयर। अब हमने वहाँ पे स्टार्ट कर लिया अपने खुद के कंप्यूटर में, उसने बोला भाई द प्रोजेक्ट विल हैव app.js, क्लोज दैट और डिलीट दैट। तो हम भी यही करते हैं फिर, ये app.js है ना, इसको मैंने कहा कि इसको डिलीट कर दो आप, डिलीट का है ये डिलीट, इवन दो कि मैं क्या करूँगा src के अंदर मौजूद तमाम फाइलों को मैं डिलीट कर दूंगा, सिर्फ index.js को मैं छोड़ दूंगा, सही है। तो मैं एक एक करके डिलीट करना शुरू करता हूँ। src के अंदर मैंने सिर्फ एक फाइल छोड़ी है, दैट इज कॉल्ड index.js, यही किया था ना हमने हेलो वर्ल्ड बनाते हुए। अब देखो अब अगला क्या कर रहा है, सेलेक्ट index.js फ्रॉम द लेफ्ट पैन, होल्ड योर ब्रेथ, डिलीट द एंटायर कॉन्टेंट ऑफ index.js। अब आ जाते हैं, इसका एंटायर कॉन्टेंट भी मैंने उड़ा दिया, वापस आ जाता हूँ मैं, टाइप दिस कोड इन index.js। तो मैंने ये सारा कोड यहाँ से पकड़ा और index.js पे पेस्ट कर दिया, ये सेम वही काम कर लिया हमने जो कोड सैंडबॉक्स में हम पहले ही कर चुके हैं, मुश्किल तो नहीं है, आसान है बिल्कुल। अब कोड सैंडबॉक्स में तो क्या होता था कि सामने फौरन ये रन होके सामने शो कर देता था, यहाँ पे मैं ये काम कैसे करूँगा, यहाँ पे मुझे ये काम करने के लिए मुझे टर्मिनल ओपन करना होगा इसी फोल्डर में, VS कोड के अंदर इसका शॉर्टकट क्या है, ऊपर आप जाएंगे यहाँ पे टर्मिनल और या न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है नीचे टर्मिनल यहीं पे खुल के आ जाएगा। अच्छा ये वही टर्मिनल है जो आपके मशीन के अंदर आप अलग से खोलते हैं, ठीक है, मतलब जैसे मैंने ये अलग से खोला हुआ है ना, यही टर्मिनल है मगर वो VS कोड के अंदर खुल जाता है, ये कोई VS कोड का अपना टर्मिनल नहीं है, सही है, ये वही मशीन में जो आपके इंस्टॉल है वही वाला है। तो जस्ट एक फैसिलिटी है कि यार कोड लिख रहे हो ना बार बार टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है, यहीं पर खुलवा देते हैं, तो ये इसमें खुलवा दिया। अब इसको रन करने के लिए मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी npm start enter, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के रूट पे मुझे ये कमांड रन करनी है, दैट इज कॉल्ड npm start, ठीक है, हेलो वर्ल्ड ये लिखा हुआ गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूँगा, हेलो वर्ल्ड, हेलो इंजमाम लिख देता हूँ, हेलो और अपना नाम लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे चेंज आ गया, सही है, सेम वही चीज़ हो गई, npm स्टार्ट कर दिया ना, वो वॉच कर रहा है इस फाइल को। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँगा ना और जब मैं सेव करूँगा तो नीचे देखो क्या करता है उसको, यहाँ पे नज़र रखना, देखो यहाँ पे क्या करता है, ये कंपाइल करता है उसको जल्दी से, वॉच कर रहा है वो फाइल को, राइट। अच्छा अगर इसको रोकना हो इस कंपाइलेशन को तो क्या करूँगा, मैं टर्मिनल पे आके कंट्रोल सी 2-3 दफ़ा प्रेस करूँगा तो ये रुक जाएगा, ठीक है, दोबारा अगर चलाना है तो एरो अप दबाऊँगा, हिस्ट्री पूरी रिपीट होती है, एंटर कर दूँगा, दोबारा चली गई, ठीक है, इतना हो जाएगा सब लोगों से, क्या किया मैंने काम किया, दोबारा से रिपीट करो, सबसे पहले Node.js इंस्टॉल किया है, यहाँ के कंप्यूटर में Node.js पहले से इंस्टॉल होगा सब में, तो वो इंस्टॉल तो आपने नहीं करना। नंबर दो काम क्या करना है, npx create react app
और ऐप का नाम। ये इसके मैं इसका मैं डॉक्यूमेंट भी आपसे शेयर कर देता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट है ना टर्मिनल में कर देंगे, ये मैं डॉक्यूमेंट भी आपसे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे ये कमांड क्या हुआ भाई लिखी हुई है, अगर आपको याद ना रहे तो यार। हाँ टर्मिनल कैसे खोलेंगे ये अच्छा सवाल है, बता देता हूँ। ये मैंने एयर डॉट सिसबॉर्ग पे आपको ये ना लिंक शेयर कर दिया राइट। अच्छा टर्मिनल खोलने के दो तरीके हैं। नंबर एक, आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे आपके कंप्यूटर में तो स्टार्ट का बटन दबाने से ना इस तरह का कुछ खुल जाएगा राइट। ये मेरे पास मैक है आपके पास वो है, तो स्टार्ट का बटन दबा के ना आप सी एम डी लिखेंगे और एंटर कर देंगे। विंडोज़ की बात हो रही है, लिखो जल्दी स्टार्ट का बटन प्रेस करो और माउस को छोड़ दो, बस स्टार्ट का बटन प्रेस करो और एक बार और फिर सी एम डी टाइप कर दो और एंटर कर दो, टर्मिनल खोल के सामने आ जाएगा ठीक है। अच्छा किसी खास फोल्डर में अगर आपको टर्मिनल खोलना हो तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये विंडोज़ की बात हो रही है अभी ठीक है। आप विंडोज़ के एक्सप्लोरर में जाएंगे ठीक है, विंडोज़ में फोटो ये विंडोज़ के एक्सप्लोरर में आप जाएंगे और यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, ये जो एड्रेस बार है ना, ये देखो एड्रेस बार शो कर रहा है कौन सा वाला है, इस एड्रेस बार पे ना यहीं पे क्लिक करना है। किसी भी फोल्डर में खड़े हो जाए आप जाके एड्रेस बार पे क्लिक करें, सी एम डी लिखें और एंटर करना है, उसी फोल्डर में टर्मिनल खोल के सामने आ जाएगा ठीक है। अच्छा मैक में और लिनक्स में आप क्या करेंगे, लिनक्स में तो ये होता है कि किसी भी फोल्डर पे आप राइट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ लिखा हुआ जाता है ओपन टर्मिनल हेयर ठीक है। मैक में जो है थोड़ा सा वक्र है और उसमें आपको क्या करना होता है, स्पॉटलाइट से ऐसे टी आर टर्मिनल खोलेंगे और फिर सी डी करके जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आप चले जाएंगे। डायरेक्ट फोल्डर में वो मैंने शॉर्टकट तो सेट किया हुआ है लेकिन वो बाई डिफ़ॉल्ट होता नहीं है उसमें। जैसे मेरे पास शॉर्टकट ये है कि किसी भी फोल्डर में खड़े होके अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट टी दबाऊंगा, ये लिनक्स वाला शॉर्टकट मैंने सेट किया हुआ है तो ये खुल जाता है, लेकिन ये मैंने शॉर्टकट सेट किया हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता नहीं है सही है। तो भाई जिसके पास मैक है वो देख ले फिर अपना स्पॉटलाइट पे आके टर्मिनल लिख के एंटर कर दे और सी डी करके जहाँ भी जाना है वो चला दे। अच्छा तो जल्दी से सब लोग क्या करें, अपने कंप्यूटर में ये हेलो वर्ल्ड जल्दी से बना लें। अच्छा हेलो वर्ल्ड जब बन जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वो सीवी जो आपने क्लाउड में बनाई थी क्लाउड सैंडबॉक्स में वही सीवी यहाँ पे ला देंगे सारा कोड सही है। मिसाल के तौर पे मैंने एक यहाँ पे कोड सेव करके रखा हुआ था ना ये वाला, तो मैंने क्या किया ये सारा कोड कॉपी किया यहाँ से और ये मैं इधर लेकर आ गया सही है। और इसको npm स्टार्ट नहीं हुआ, हाँ स्टाइल डॉट सी एस एस मेरे पास मिसिंग है ना, वो भी बना देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है स्टाइल्स डॉट सी एस एस भी मैंने यहाँ पे बना दिया, अब देखते हैं क्या हुआ। हाँ ये मेरे पास बन के आ गई वही ऐप सही है, देखो लोकल होस्ट 3000 पे मेरे पास ये ऐप रन हो रही है। अब मैं क्या करूँगा ये नाम चेंज कर दूंगा इसका अब मैं सही है। सही है तो भाई ऐसे होता है फिर, कैसा नाम चेंज किया दो मिनट में अच्छा तो इतना बना लो, इतना कितनी देर में बन जाएगा, आधा घंटा बहुत है, इतना बना लो फिर इस रिएक्ट की वेबसाइट को हम होस्ट करना सीखेंगे कि इसको इंटरनेट पे होस्ट कैसे करना है ठीक है। जैसे HTML CSS की वेबसाइट को नेटलीफाई पे करते थे ना होस्ट और GH पेजेस पे करते थे तो एक URL आ जाता था, अभी इसी को इस रिएक्ट की ऐप को हम होस्ट करेंगे इसका एक URL आ जाएगा, वो आप दुनिया में किसी को भी भेज सकते हैं, वो जब इस URL को ओपन करेगा आपकी ये रिएक्ट की ऐप खुल के सामने आ जाएगी। आसान है मुश्किल तो नहीं है, चलो शुरू हो जाओ जल्दी से।